हाय गाइस, तो अभी आज की वीडियो में ना हम देखेंगे कि हुक खेलना कैसे है और हुक में छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे एडजस्टमेंट्स जो तुम्हारे हुक को ओपोनेंट के हुक से स्लाइटली बेटर कर सकते हैं, और अगर इतना सा भी एडवांटेज है तो वो क्यों ना हम लें, है ना। तो अभी देखो, सबसे पहली चीज़ हो गई जब तुम सेल्फ ग्रिप ले रहे हो या रेफरी ग्रिप ले रहे हो, है ना, बिल्कुल हल्का सा ना साइड प्रेशर मेंटेन करके रखना होता है। अब देखो, रजत ने शोल्डर ही स्क्वायर कर रखे, रजत पहले शोल्डर स्क्वायर कर, ठीक है। अब हमारे शोल्डर स्क्वायर है, हमें हल्का सा पाम टू पाम साइड प्रेशर दे के रखना है, सेंटर में रखना है, लेकिन साइड प्रेशर इतना ही देना है जो रेफरी को फील ना हो। ओपोनेंट तो बोलता रहेगा कि मेरे को साइड प्रेशर आ रहा है, साइड प्रेशर आ रहा है, रेफरी को फील नहीं होना चाहिए तुम्हारा साइड प्रेशर, है ना। रेफरी को फील होगा तो तुम्हें फाउल मिलेगा, लेकिन रेफरी को फील नहीं होगा तो तुम एडवांटेज ले सकते हो पे। तो बिल्कुल हल्का सा स्लाइट साइड प्रेशर मेंटेन करके रखो, अपनी ग्रिप लो, ठीक है। अब देखो, जैसे मेरी और रजत दोनों की फिंगर्स छोटी है ना, तो आइडियली हमें ग्रिप कैसे लेनी चाहिए, हमें पाम फॉरवर्ड करके यहां ग्रिप लेनी चाहिए। ये हो गया ग्रिप लेने का एक तरीका। अब कई प्लेयर्स होते हैं जो यू नो सुपिनेट नहीं कर सकते, प्रोनेट नहीं कर सकते, ठीक है, जो प्रोनेट नहीं कर सकते, जो सिर्फ और सिर्फ सुपिनेशन और साइड प्रेशर के बल पे खेलते हैं, उनको तो मैं रिकमेंड करूंगा थम आउट करके ग्रिप ले लो, क्योंकि फिंगर्स देखो और आगे फिंगर्स आ गए, है ना। तुम जितना ज्यादा ग्रैस्प कर पाओगे ओपोनेंट के हाथ को, उतना कंट्रोल में रहोगे, ठीक है। अब उसके बाद अब देखो, हमारा हुआ गेम स्टार्ट, ठीक है, रेडी गो, ठीक है। अब हुआ गया यहाँ पे, अब हम सेंटर में आ गए हैं, अब सेंटर में तुम फंस गए हो। अब इसके बाद तुम्हें करना क्या है, तुम्हें जाना है साइडवेज, ठीक है। साइडवेज कैसे जाना है, साइडवेज ऐसे डायगनली नहीं जाना, सीधा सीधा ऐसे नहीं जाना, साइडवेज कैसे जाना है, अपनी एल्बो को हमेशा टेप पैड पे यूज़ करना है, ठीक है। ये पैड है ना, मेरी एल्बो स्टार्टिंग में यहाँ पे है, आगे आ जा। ये पैड है ना, मेरी एल्बो देखो यहाँ होती है, यहाँ पे, तो मैं कभी ऐसे नहीं मारूंगा, ये मेरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा ना, ये नहीं करना मेरे को, इतना ईजी नहीं जाएगा, है ना। तुम उसको ओपोनेंट की एल्बो को जितना, उसके बाइसेप पे जितना अटैक करोगे ना, उतना ईजी रहेगा, ठीक है ना। अब देखो, मैं एल्बो ट्रैक करूंगा तो रजत का बाइसेप खुलता चला जाएगा, इवन दो हम बुक में है। मैंने एल्बो ट्रैक करी, देखो अगर मेरा साइड प्रेशर थोड़ा सा भी अगर उससे ज़्यादा है और मेरा सेंटर कंट्रोल, मैंने साइड सेंटर ले रखा है, तो रेडी गो होते ही मेरे को एक एडवांटेज मिलेगा। वो क्या, कि मेरे मसल्स एंगेज्ड हैं। रेडी गो पे वो इतना एक्टिव नहीं होगा, अगर मैं प्रोएक्टिव हूँ तो इतना वो प्रोएक्टिव नहीं होगा। रेडी गो पे उसको पावर एक्सर्ट करनी पड़ेगी, जो एक दो सेकंड्स का गैप आएगा उसमें तुम एडवांटेज ले सकते हो। जब रेडी गो होगा, रजत एक्टिव नहीं है, मैं एक्टिव हूँ, रेडी गो, ठीक है ना, उसमें उस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में तुम एडवांटेज ले लोगे। अगर दो रजत का डिफेंस स्ट्रांग हुआ, ठीक है ना, मैं एटलीस्ट यहाँ तक तो आ ही जाऊँगा ना, और यहाँ पे आने के बाद तो फिर यू नो तुम कैसे कंट्रोल करते हो, तुम लेके जा सकते हो। अब ये तो हो गया बेसिक हुक, ठीक है। अब तुम सोचो, अगर तुम एक डिफेंसिव एंगल में आ गए हो, एक लूजिंग पोजिशन में आ गए हो, ठीक है, अब तू अपनी विनिंग पोजिशन पर चला जा, विनिंग, हाँ, ठीक है। अब तुम एक लूजिंग पोजिशन पर हो, ठीक है। अभी इस एंगल पे क्या होता है कि तुम लोग ना कंट्रोल नहीं कर पाते बेसिकली, ज़्यादा प्लेयर्स तो वो गिव अप कर देते हैं यहाँ पे, है ना। तो अब ऐसा नहीं है कि तुम्हारा हाथ लूजिंग पोजीशन पे चला गया है तो वहाँ से तुम रिकवर नहीं कर सकते, ये रिकवर किया जा सकता है। अब इसको थोड़ा टेक्निकली रिकवर किया जाएगा। अब कैसे होगा, देखो, एक तो अभी मैंने पीछे बता दिया कि पीछे ड्रैग करके, अभी कभी कभी क्या होता है कि आगे हमारे पास रूम ही नहीं है, हमारी एल्बो उतर सकती है ना, तो अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें जैसे हम शोल्डर प्रेस मारते हैं ना, शोल्डर प्रेस करनी है हमें तुम्हें यहाँ पे, शोल्डर प्रेस करते हुए इसको कप को ऊपर की ओर कप करना है। देखो ये कप किया, आगे ले आ, कैमरा आगे ला, यहाँ से रिकॉर्ड कर इसको, ठीक है, ऊपर ला के इसको ऐसे कप किया, ऊपर की ओर कप किया, और शोल्डर से बैक रखना है शोल्डर को, ठीक है, पाम को बैक करना है, पीछे आते जाना है, शोल्डर लगाना है, और फिर धीरे धीरे साइड प्रेशर लगाना है, तू होल्ड कर, धीरे 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 साइड प्रेशर लगाना है यहाँ पे, ठीक है, फिर लगाना है। अब एक, अगर तुम्हें लगता है एक एंगल पे तुम्हारे पास मूवमेंट आ गई है, फिर वहाँ से दोबारा धीरे धीरे एल्बो ट्रैक करनी स्टार्ट करो, फिर पहले अपना सेंटर कंट्रोल करो, तो तुम्हारा सेंटर कंट्रोल हो जाएगा, उसके बाद फिर तुम विनिंग मूवमेंट पर जानी चाहेगा। तो अभी ये तो हो गया डिफेंसिव एंगल, है ना। अभी कभी कभी क्या होता है कि हम लोग यहाँ तक तो आ जाते हैं, ठीक है, अब यहाँ पे अब ओपोनेंट का डिफेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है ना, अब हम उसको टैकल ही नहीं कर पा रहे, अब मैं यहाँ पे साइड प्रेशर लगा रहा हूँ, जा ही नहीं पा रहा। अब कभी कभी यहाँ से भी प्लेयर्स हार जाते हैं इतने एंगल पे आने के बाद भी। अब इस एंगल पे क्या करना, अगर मैं इसको पुश नहीं कर पा रहा तो मेरे को पहले टेबल पे थोड़ा रूम बनाना है एल्बो मूव करने का, थोड़ी सी एल्बो पीछे लाऊंगा, उसके बाद ड्रैग करूंगा आगे की ओर लाऊंगा ना, आगे की ओर, इसकी रिस्ट पे यहाँ पे, यहाँ से दिखा, इसकी रिस्ट पे यहाँ पे, ये जो पॉकेट है ना, इसकी रिस्ट पे आने की ट्राई करूंगा ऐसे आगे ड्रैग करके, ठीक है। अब यहाँ हूँ मैं, यहाँ पे ऐसे आगे लाऊंगा, अब इसके साथ मेरा शोल्डर भी मूव होगा, मैं यहाँ आ गया, ड्रैग किया, अब इसके बाद अगेन पीछे मूव करना, ड्रैग करना पीछे, ठीक है। अगर यहाँ पे फिर भी नहीं आ पा रहा, अब वो यहाँ पे भी होल्ड कर पा रहा अपने प्रोनेटर से, ठीक है, तुम्हें यहाँ पे गिव अप नहीं करना। अब यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है, या तो तुम यहाँ से इसको प्रोनेट करके ला सकते हो, है ना, अगर यहाँ नहीं आ रहा तो ऊपर आकर उसको प्रेस मार सकते हो,
और यहाँ पे एक और अपॉर्चुनिटी है, नहीं तो उसको पूरा ड्रैग मार के ऊपर लाके यहाँ पे ड्रैग करके हिट करके तो विनिंग और लूजिंग पोजीशन पे हो गई। अब कभी कभी क्या होता है, दोनों हुक के प्लेयर है, दोनों हुक में है, ठीक है। अब हम दोनों सेंटर में स्टक है, ठीक है, रजत साइड प्रेशर मार। अब देखो हम दोनों साइड प्रेशर साथ साथ मार रहे हैं, मूवमेंट ही नहीं आ रही है ना, सेंटर में दोनों स्टक हो गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दो तीन चीज़ें हैं जो थोड़ा सा एडवांटेज दे सकती है। एक तो तुम्हारी स्ट्रेंथ तो ऑब्वियसली है, तुम्हारी कपिंग स्ट्रेंथ, तुम्हारा साइड प्रेशर वो कैसा है। अब कभी कभी कैसे होता है, दोनों प्लेयर्स बिल्कुल इक्वल है इस चीज़ में, है ना। अब इसमें थोड़ी सी टेक्निकली जो एडवांस होगा ना प्लेयर, वो थोड़ा स्लाइट एडवांटेज ले जाएगा। उसमें होगा क्या, अब देखो, अब जैसे हम दोनों यहाँ स्टक हैं, ठीक है, अभी अभी इसमें मेरे को करना क्या है, अभी रजत रजत ने अपना देखो शोल्डर इतना एंगेज नहीं कर रखा, लेकिन मैं अपना शोल्डर एंगेज करके रखूंगा, ठीक है, वहीं रहे। अब मैं अपना शोल्डर एंगेज करके रखूंगा, अब मुझे क्या करना है, अपने हाथ के पीछे आना है, ठीक है। अब मैं सेंटर में ही हूँ, सेंटर में ही हूँ, ठीक है। अभी क्या करना है, पहले हल्का साइड प्रेशर मारना है, ठीक है। अब तू रजत अपने हिट मारना स्टार्ट कर। अब रजत हिट मार रहा है, मेरे को कुछ नहीं करना, मेरे को यहाँ पे पेशेंस गेम दिखाना है, बस होल्ड, ठीक है। अभी मैं पहले देखो मेरा स्टांस यहाँ था, ठीक है। अब मेरे को यहाँ क्या करना है, मेरे को अपना स्टांस चेंज करना है, बस। अब मेरे को अपनी बॉडी को बैक करना है पूरा, यहाँ पे होल्ड करना है धीरे 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 धीरे। जैसे ही रजत टियर आउट होगा, मेरे को अपॉर्चुनिटी को ग्रैस्प करना है, और जहाँ ही वो हल्का सा लूज करेगा, फिर वहाँ पे वही अपना सेम सेंटर से तुम अपना गेम कैसे कंट्रोल करो, ठीक है। तो अब हमारी लास्ट चीज़ रहेगी कि यू नो हुक के प्लेयर को स्ट्रैप कैसे बनवाना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, तुम बिना स्ट्रैप के हुक बहुत ज़बरदस्त खेलते हो, है ना, लेकिन जब स्ट्रैप पड़ जाता है ना, तो तुमसे हुक खेला ही नहीं जाता। तुम ऐसा हो जाता है कि तुम्हारी रिस्ट नहीं सुपिनेट कर पा रहे, तुम ओपोनेंट तुम्हारी फिंगर्स को डोमिनेट कर रहे हैं ना, तो उस चीज़ को भी टैकल किया जा सकता है स्ट्रैप में, ठीक है। अब उसके लिए करना क्या है, पहली चीज़ हमेशा ट्राई करो कि बकल तुम्हारी साइड ना आए, बकल हमेशा ओपोनेंट के हाथ पे आए, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर रजत एक टॉप का प्लेयर है, ठीक है, टॉप का प्लेयर मतलब टॉप रोल, टॉप का प्लेयर तो मैं हूँ, ठीक है, ठीक है। अब बकल रजत की ओर आया है, तो पहले स्ट्रैप रजत की ओर जाएगा ना, तो स्ट्रैप ना कभी भी अपनी रिस्ट पे मत बंधवाना, ठीक है। सबसे पहली चीज, स्ट्रैप कभी रिस्ट पे नहीं होना चाहिए। और उसके बाद जब भी स्ट्रैप टाइट करवाओ, जब भी तुम्हारा स्ट्रैप टाइट होगा ना, वो कभी अपने पाम पे टाइट मत करवाना, खींचो स्ट्रैप खींचो, बस। देखो जब रेफरी स्ट्रैप टाइट करता है ना, तुम्हें तीन चीजों का बहुत जरूरी ध्यान देना है। पहली चीज, स्ट्रैप कभी तुम्हारे इधर नहीं होना चाहिए स्ट्रैप, ठीक है, इधर नहीं होना चाहिए स्ट्रैप, स्ट्रैप हमेशा यहाँ आना चाहिए, ठीक है, ठीक है। दूसरी चीज, जब भी स्ट्रैप टाइट होता है, हाथ लूज छोड़, देखो स्ट्रैप नीचे टाइट होता है ना, तो हाथ कैसे जाता है लूज छोड़ना, स्ट्रैप टाइट होता है हाथ ऐसे जाएगा, देखो, क्योंकि स्ट्रैप तुम्हारा हाथ नीचे खींचता है ना, तो तुम्हें इस कंडीशन में क्या करना है, तुम्हें अपना पाम ऐसे हल्का सा ऊपर, जब स्ट्रैप टाइट होगा तो तुम्हें अपना पाम ऊपर उठाना हल्का सा, बिल्कुल रेफरी को फील नहीं होनी चाहिए, स्ट्रैप टाइट हुआ हल्का सा उठाया, स्ट्रैप टाइट हुआ हल्का सा उठाया। अब इससे होगा क्या, अब इससे होगा क्या, देखो अब इससे होता ये है, इसका इसका जो हैंड है ना, वो मेरे मेरे हैंड के ऊपर आ गया, इसका बेटर हैंड कंट्रोल आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। पहली दो चीज़ें ये हो गई, ठीक है। अब दूसरी चीज़ तुम्हें क्या करनी है, कि वही सेम चीज़ तुम्हें इसमें भी ग्रिप फॉरवर्ड ही रखनी है। तुम जितना ओपोनेंट को कवर कर पाओगे, देखो जितना मैं इसको कवर कर पाऊंगा ना, उतना मेरा हुक बेटर लगेगा, उतना मेरा एग्जीक्यूशन बेटर रहेगा, ठीक है। अब वही चीज़ अगेन, स्ट्रैप टाइट हुआ, मैंने ऊपर राइज किया, फिर स्ट्रैप टाइट हुआ, मैंने और ऊपर राइज किया, स्ट्रैप टाइट हुआ, मैंने और ऊपर राइज किया। अब अगर रेफरी तुम्हारी वेबिंग बराबर भी करा देता है, रेफरी ने तुम्हारी वेबिंग बराबर करा दी, ये इक्वल करा दिया तुम्हारा, ठीक है, लेकिन फिर भी मेरा पाम तो आगे आ गया ना, अब रेफरी ने ग्रिप क्लोज करवाई, देखो अब मेरी ग्रिप देखो, ठीक है, टॉप मारने की ट्राई करियो। अब यहाँ पे उसको दो चीज़ें रोकेंगी, पहली जो बकल है, बकल उसकी मूवमेंट रोकेगा, प्रोनेटर रोकेगा, सेकंड मेरी फिंगर्स भी आ रही हैं, तो उसकी प्रोनेशन रुक ही जाएगी। और हुक के प्लेयर की अगर हल्की सी भी सुपिनेशन आ जाती है ना टॉप के प्लेयर पे, तो टॉप प्लेयर वहाँ रुक जाता है, वहाँ पे बस एक वो कंटिन्यूस पावर पे खींच सकता है पीछे, लेकिन तुमने अपनी फिंगर्स से, अपनी रिस्ट की कंटेनमेंट से, अपने शोल्डर कनेक्शन से रोक रखा है उसको, बस तुम्हें फिर एक साइड प्रेशर से एग्जीक्यूशन करना और पिन करना, बस।